अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान। नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। कौमी बचत का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। इस अकाउंट से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे जनाब, उनमें है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का 10 लाख पे मुनाफा। 10 लाख पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कितना मुनाफा मिलेगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे टैक्स कितना लगता है और कब लगता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे टैक्स जो है वो कितना लगता है, ठीक है। ये बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन इसकी मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में होगी, कितना टैक्स लगेगा पर मंथ, कितना टैक्स बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब नेक्स्ट टॉपिक है, कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, क्या हर शख्स जो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है, या कुछ मखसूस डिपार्टमेंट हैं या मखसूस लोग हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, क्या ईओबीआई पेंशनर, वो भी तो पेंशनर्स ही हैं, तो क्या ईओबीआई पेंशनर जो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और आखिरी टॉपिक है जनाब, क्या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जॉइंटली खुल सकता है, जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है वो जॉइंटली हम खुलवा सकते हैं, और इसकी लिमिट जो है वो 75 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाती है, मतलब एक बेवा खातून और एक सीनियर सिटीजन दोनों जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं और लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ हो जाएगी। तो क्या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट भी जॉइंटली खुलवा सकते हैं, क्योंकि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की लिमिट भी जो है वही 75 लाख रुपये है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं जनाब, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है वो क्या जॉइंटली खुल सकता है। अच्छा, क्या पेंशन बेनिफिट अकाउंट ज्वाइंटली खुल सकता है, इसलिए हम देखते हैं जनाब जिसका लॉ है, कानून है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का, रूल्स में उसमें क्या लिखा हुआ है जनाब, कौन लोग जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में मतलब ज्वाइंटली खुलवा सकते हैं या नहीं खुलवा सकते। यहाँ पे देखिए जनाब, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लिमिट है, मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 10,000 है, मतलब पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कम से कम 10,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम 75 लाख रुपये है, ठीक है। मुकम्मल डिटेल्स में इन्होंने मेंशन कर दिया कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो कोई पेंशन बेनिफिट अकाउंट में वो 75 लाख रुपए, जो शख्स पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख की सरमायाकारी कर सकता है। बस मतलब ये है कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है वो जॉइंटली आप नहीं खुलवा सकते, क्योंकि लिमिट जो दिया हुआ है उन्होंने वो फिक्स दिया हुआ 75 लाख रुपए की। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंटली अकाउंट खुल सकता है, लेकिन पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में नहीं खुल सकता, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है ना कि ईओबीआई के जो पेंशनर्स हैं, क्या वो भी जो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं जनाब, कौन लोग जो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग कर सकते हैं, अगर उसमें ईओबीआई पेंशनर्स का जिक्र है तो इसका मतलब हुआ कि ईओबीआई पेंशनर्स भी सरमायाकारी कर सकते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, और अगर जिक्र नहीं तो इसका मतलब है ईओबीआई पेंशनर्स जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या जाए, द पेंशनर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी से कर सकते हैं। उसके अलावा क्या जनाब, प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो पेंशनर्स हैं वो भी, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं पेंशनर, वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेज जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट के लोग जो है, जो रिटायरमेंट जिनकी पेंशन आती है, वो भी सरमायाकारी कर सकते हैं। एंड ऑटोमोनियस बॉडीज इन केस ऑफ डेथ ऑफ देयर पेंशनर, ठीक है, देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर कैन इन्वेस्ट इन पीबी, मतलब वो लोग जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, इंतकाल के बाद जो है जो लोग एलिजिबल होते हैं उनकी फैमिली के पेंशन लेने के, वो लोग भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसमें कहीं भी जो है ईओबीआई पेंशनर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ईओबीआई पेंशनर जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते। जो लोग कर सकते हैं उसका जिक्र ऊपर दे दिया गया। रिपीट कर दूं मैं जनाब, द पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशन है वो कर सकते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोग कर सकते हैं,
गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद है जम्मू कश्मीर, ठीक है, आर्म फोर्सेस के लोग, सेमी गवर्नमेंट, और वो लोग जो पेंशनर्स थे जिनकी पेंशन आती है लेकिन इंतकाल की वजह से उनके बिहाफ पे जो उनकी फैमिली में जो बंदा एलिजिबल है पेंशन लेने का वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है। अब जनाब हमारे पास दो टॉपिक रह गए, एक तो ये कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का 10 लाख पर नया मुनाफा क्या है, एक तो ये टॉपिक है, दूसरा कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर टैक्स कब लगता है और कितना लगता है, ये दो टॉपिक आपके साथ हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर 10 लाख पर मुनाफा क्या मिल रहा है करेंटली। जनाब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 लाख पे जो इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है वो 1280 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, तो 1 लाख पे जो मुनाफा है वो हर महीने 1280 के हिसाब से मिल रहा है, 10 लाख पे कितना हो जाएगा जनाब 12,800 का मुनाफा मिल रहा है 10 लाख पे, और 75 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है इस वक्त वो 96,000 का मिल रहा है, ठीक है, 96,000 का। तो 1 लाख पे मुनाफा 1280 रुपये, 10 लाख पे पेंशन बेनिफिट का जो मुनाफा है वो है 12,800 का, और 75 लाख पे जो मुनाफा है वो 96,000 का, ठीक है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो है वो आपके सामने आ गया। 75 लाख का जिक्र हमने इसलिए किया कि अभी जो हम इसके पर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट में टैक्स कितना कटता है उस पर हमें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो 75 लाख रुपये पे ये बात याद रखिएगा जो मुनाफा है वो 96,000 है। अब बात करते हैं जनाब सबसे आखिरी टॉपिक की कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट पर इनकम टैक्स कितना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें सहारा लेना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या है, कितनी अमाउंट को जो है वेव किया हुआ है कि इतना प्रॉफिट होगा तो हम जो है उस पर टैक्स नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर मौजूद है इंडिविजुअली अर्निंग अप टू 50,000, मतलब 50,000 तक जो शख्स महाना पैसे कमा रहा है, जिसका 50,000 अगर कोई शख्स प्रॉफिट मंथली कमा रहा है तो साल का कितना होगा प्रॉफिट 6 लाख रुपए, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि जनाब 6 लाख तक अगर किसी शख्स का सालाने की बात हो रही है सालाना प्रॉफिट है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तो उस पर टैक्स नहीं, इनकम टैक्स 0, ठीक है। अगर 6 लाख से 1 रुपये भी एक्सेस करता है, ठीक है, 6 लाख से 12 लाख रुपए के दरमियान अगर कोई शख्स पेंशन बेनिफिट अकाउंट में प्रॉफिट ले रहा है तो 6 लाख से जो ऊपर की अमाउंट है उस पर इनकम टैक्स काटो आप, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं जनाब, अच्छा इनकम टैक्स कितना काटो इसका रेट उन्होंने मैंशन कर दिया 5%, ठीक है। अच्छा इसको एग्जाम्पल समझते फर्ज करते कि एक शख्स को जो है वो हर महीने 1 लाख रुपये, 1 लाख तो मिल नहीं सकता लेकिन सपोज कर लेते हैं 1 लाख रुपए जो है वो हर महीने पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा आता है तो साल का कितना मुनाफा आएगा, हर महीने तो 1 लाख रुपए आ रहा है तो साल का मुनाफा बन रहा है 12 लाख रुपए, हर महीने 1 लाख रुपए मुनाफा आ रहा है तो 12 महीने का कितना होगा 12 लाख रुपए। अब एज पर इनकम टैक्स लॉ किया जनाब कि 6 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, 6 लाख रुपए आप वेव कर दें, अब बचा कितना 6 लाख, तो 6 लाख पे 5% आप इनकम टैक्स ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल साल का मुनाफा अभी तो 12 लाख रुपए हो रहा था, आप जो मंथली प्रॉफिट कम कर दें और साल का समझ लें कि 10 लाख रुपए, ठीक है, साल का मुनाफा अब 12 लाख नहीं है 10 लाख रुपए, तो अब क्या होगा 6 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, 6 लाख से ऊपर कितनी अमाउंट है 4 लाख, 6, 4, 10 लाख, ठीक है। तो साल का मुनाफा कितना बन रहा है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख में 6 लाख रुपए आप छोड़ दो, 4 लाख पे 5% इनकम टैक्स ले लो, ठीक है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत है। अब हम इसको कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे, मतलब कैलकुलेशन देखेंगे कितना इनकम टैक्स कट रहा है, मंथली इनकम टैक्स कितना कट रहा है तो वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसकी कैलकुलेशन हमने कुछ इस तरह से बनाई कि एक शख्स ने 75 लाख रुपए जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जमा करवाया हुआ है, अब उस पर इनकम टैक्स कितना कटेगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जनाब, इसको नोट कर लीजिएगा कि 75 लाख पे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा वो 96,000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अब यही 96,000 को जो है हम इनकम टैक्स में देखते हैं। अच्छा एक शख्स है जिसने जो है 75 लाख रुपये जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, तो 75 लाख में जो मुनाफा कितना मिला 96,000, 96,000 का जो भी आपको मैंने दिखाया, ठीक है, 96,000 का हर महीने उसको मुनाफा मिल रहा है, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन कितनी पे होती है पूरे साल पे, तो 96,000 को 96,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब वो शख्स जिसने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 75 लाख रुपये रखे हुए हैं उसको एक साल बाद जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 11,52,000 रुपये का, ठीक है, ये बात तो यहाँ पे होगी। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है जनाब कि 6 लाख रुपए तक वेव है, 6 लाख रुपए तक जो है
उसको इनकम टैक्स पे कुछ चार्ज नहीं होगा। तो टोटल जो प्रॉफिट बन रहा है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का साल का 12 महीने का, वो बन रहा है 11,52,000 रुपये। नॉट टैक्सीबल अमाउंट मतलब जिसपे टैक्स नहीं कटता, वो गवर्नमेंट ने कहा 6,00,000 रुपये। तो मैं 11,52,000 रुपये में से 6,00,000 रुपये मैंने लेस कर दिया, नॉट टैक्सीबल अमाउंट निकाल दिया। तो अब टैक्सीबल अमाउंट कितना बच रहा है मेरे पास, 5,52,000। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ आपको, टोटल साल का मुनाफा कितना बन रहा था अगर आपने 75,00,000 रुपये पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की, तो एक महीने का मुनाफा 96,000 रुपये बन रहा है और साल का मुनाफा बन रहा है 11,52,000 रुपये। नॉट टैक्सेबल अमाउंट जिसपे टैक्स चार्ज नहीं होगी वो 6,00,000 रुपये, उसमें से मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, अब आ गया टैक्सीबल अमाउंट, मतलब 5,52,000 रुपये पे जो है मुझे इनकम टैक्स भरना है 5% का। ठीक है, अब ये टैक्स रेट कितना है, 5%, और 5,52,000 रुपये जो 5% की अमाउंट बन रही है वो 27,600 रुपये बन रही है। ठीक है, मतलब एक शख्स जिसने 75,00,000 रुपये पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जमा करवाया हुआ है, जिसको साल का मुनाफा मिलेगा एक साल का 11,52,000 रुपये, उस पर जो इनकम टैक्स बन रहा है साल का जो बन रहा है वो बन रहा है 27,600 रुपये, और मंथली जो उस पर इनकम टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 2,300 रुपये। ठीक है, 27,600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का जो इनकम टैक्स बनेगा पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर वो 2,300 रुपये बन रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में पेंशन बेनिफिट अकाउंट का 10,00,000 पे मुनाफा 12,800 का। ठीक है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर टैक्स कितना लगता है हमने आपको बता दिया, 27,600 रुपये का टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स साल का, अगर किसी शख्स ने 75,00,000 रुपये की सरमायाकारी की है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, और अगर मंथली आप इनकम टैक्स देखेंगे तो मंथली उसको इनकम टैक्स लगेगा 2,300 रुपये का। ठीक है, कौन कौन जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज हैं, और उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट के, आज़ाद कश्मीर के पेंशनर्स हैं, और उसके अलावा जो है जो पेंशनर जिनको मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उन अगर उनकी डेथ की सूरत में उनके जो एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। उसके अलावा UBI के पेंशनर्स को भी पेंशन मिलती है, तो वो लोग जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं है। ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, और इसके अलावा जनाब क्या पेंशन बेनिफिट अकाउंट जॉइंटली हम खुलवा सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट जो है वो जॉइंटली हम नहीं खुलवा सकते। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, UBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।